ऑलराइट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन एक्का बॉय, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं कर्नाटक एक्वेरियम के लिए, और एज यूजुअल जब भी ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, वहां पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलता है। तो फिलहाल अभी वहां निकलते हुए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जा रहे हैं, अगर वहाँ पर कुछ अच्छी सी कोई मॉन्स्टर फिश या कोई एक्सॉटिक फिश दिखती है 5 फीट एक्वेरियम के लिए, नॉट प्रॉमिसिंग या मतलब देखता हूँ कि बजट में होगी या यहाँ पे अवेलेबल होगी, जो काफ़ी एक्साइट करे, तो वो भी शायद लेने की कोशिश करूँ। तो गाइस, से हाई टू सैयद भाई, बड़े ही बड़े आदमी हैं, बड़े मुश्किल से हाथ में आते हैं। तो भाई आ चुके हैं, और प्लस आप हाथ में देख सकते हैं, डिटेल बताएंगे सैयद भाई, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि सो ब्लेस्ड टू होल्ड देम, बिकॉज दीज आर वन ऑफ दी रेयरेस्ट ओनर जो हम देखते हैं। तो भाई अब आप डिटेल दीजिए, तो पहले इनके बारे में। मे बी लाइक आप ये लास्ट वीडियो में देख चुके हैं टॉर्टाइज, जो हाई वाइट लेपर्ड टॉर्टाइज है, क्योंकि पिछली बार इनके बारे में ज़्यादा हम लोग ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, तो अभी एक्सप्लेनेशन देने का टाइम मिला है। आप ये देख सकते हैं, पहली बात तो ये मेल फीमेल 100% है, दे आर नॉट रेडी टू ब्रीड। अभी इनके लिए काफ़ी टाइम है ब्रीड होने के लिए, मे बी लाइक ऑलमोस्ट 4 ईयर्स और इनको चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी और बड़े होते हैं। तो ये हाई वाइट लेपर्ड जो है, ये काफ़ी रेयर टॉर्टाइज आते हैं, जैसे कि कॉमन लेपर्ड टॉर्टाइज में अगर वो 10,000 बच्चे हैं कॉमन लेपर्ड टॉर्टाइज में, तो वो 10,000 बच्चे में से ये एक बच्चा निकलता है, और ये काफ़ी इस वजह से रेयर है, क्योंकि ये ज़्यादातर कोई रखना भी नहीं चाहता, और रखेगा तो इसका एक्सपेंसेस काफ़ी सारा है। जो बिकॉज अभी मैं जो इनका प्राइस कोट कर रहा हूँ वो 12 है पेयर का, तो किसी को अगर चाहिए तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल 100% है। और दूसरा जो है हमारे पास अल्डाब्रॉड टॉर्टाइज, और ये सेकेंड लार्जेस्ट स्पीशी ऑन अर्थ है, मे बी लाइक थर्ड स्पीशी है, बिकॉज इससे गैलापागोस से पहले एक स्पीशी थी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो एक्सटिंक्ट होने का हम लोग काउंट नहीं करेंगे, नाउ दे आर सेकेंड लार्जेस्ट स्पीशी ऑन अर्थ। तो अल्डाब्रॉड टॉर्टाइज में भी हमारे पास मेल फीमेल है, और काफ़ी ब्यूटीफुल साइज है, इसका आप साइज देख सकते हैं, और हेल्थ कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा है, आप इसका शेल देख के पहचान सकते हैं हेल्थ कंडीशन में। भाई ये आई गेस उसके ऊपर कुछ वाइट पेंट सा लग गया है, तो वो मार्क किया है मेल फीमेल की निशानी के लिए, मार्क किया है इसके ऊपर, नंबर लिखे हैं, तो वो मेल फीमेल की निशानी के लिए मार्क किए हैं। नहीं अच्छा, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वीडियो में सब्सक्राइबर देखेंगे बोलेंगे सेल आउट हो गया है ये। नहीं, वो मार्क किया हुआ है, तो इसके ऊपर नंबर लिखा गया है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 3 नंबर लिखा हुआ है और इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, तो ये इनका मेल फीमेल का मार्क है। तो ये एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर मेल फीमेल के लिए, क्योंकि अभी जैसे मैं पहचान सकता हूँ मेल फीमेल कौन सा है, जो एम्प्लॉयज रहेंगे उनको पहचानने में दिक्कत होगी, तो नंबर बोलने से काफ़ी है कि ये नंबर का मेल है और ये नंबर का फीमेल है, तो दे दे। करेक्ट। हाँ, क्योंकि मैं हर टाइम इनके पास नहीं रह सकता, तो ज़्यादातर मैं मेंटेन नहीं करता हूँ, तो इस वजह से ये इजी टू डिटेक्ट है, इसको आराम से पहचान सकते हैं। तो अल्डाब्रा टॉर्टाइज जो अभी हमारा हाथ में जो पेयर है, इसका प्राइस मैं कोट कर रहा हूँ 10, और अगर किसी को चाहिए तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, और इसका जो फूड आता है मजूरी से लेके कैल्शियम पाउडर, यूवीबी लाइट्स, और जो इनके इक्विपमेंट, जो भी मतलब आपको ड्राई एक्सेसरीज चाहिए होगा तो वो भी हमारे पास मिल जाएंगे। और अगर कोई इनको फैमिली पैक लेता है, जैसे कि लेपर्ड टॉर्टाइज और अल्डाब्रा टॉर्टाइज को, तो मैं काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो हमें जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, टॉर्टाइज के लिए फ्री डिलीवरी, जैसे कि अगर कोई पूरे मिला के ले रहा है तो फ्री डिलीवरी होगी, पर्सनल कार से आएंगे और देके जाएंगे, ऐसे नहीं कि ट्रांसपोर्ट में भेज रहे हैं, क्योंकि काफ़ी महंगा है, तो मेक श्योर करना है कि अच्छे से पहुँचाएंगे
और इनका जो भी मतलब जैसे कि इनका मेंटेनेंस हो गया वो भी आपको बता के देंगे, हमारे खुद हमारा कोई एम्प्लॉय आएगा वो आपको एक्सप्लेनेशन करेगा कि इनको कैसे रखना है, कैसे खाना खिलाना है, क्या क्या खिला सकते हैं और किस लैंड पर रखना है, कैसे इनको केज में रख सकते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादातर केज में नहीं रख सकते, अभी फिलहाल के लिए रख सकते हैं और ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, तो इनको कैसी लैंड चाहिए, किस टेम्परेचर में ये ज़्यादातर रहते हैं और सैंड गीली रहना चाहिए कि सूखी रहना चाहिए, किस टाइम पे इनको कितना यूवीबी लाइट चाहिए होता है, और आपको अगर बीमार होगा तो कैसे पहचानना चाहिए, हेल्थ कंडीशन में है प्रॉपर तो इसको कैसे और हेल्थ कंडीशन में रखना चाहिए, कितने देर पानी पिलाना चाहिए, तो ये सब आपको एक्सप्लेनेशन कर देंगे। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा अगर मतलब पूरा फैमिली लेंगे तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज ये है पीकॉक बास, सोच रहा था ले जाऊं बट लेकिन अभी देखेंगे बाद में। एंड देन ये हैं सिकलेट्स, ये देखिए, तो ये मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूं क्योंकि ननका आए हैं तो देखे जाएं। गाइज कमेंट कौन सी फिश है ये, बिकॉज मुझको नहीं पता ये कौन सी आई मीन ब्रीड है। ये रहे हमारे ऑस्कर्स, अगर इसमें से कोई रेड फायर होता तो मैं शायद ले लेता, अभी रेड फायर नहीं। ये रही स्टिंग रे, आज मैं इसको नोटिस भी कर रहा था कि ये जो उसके डॉट के बाद इस पूरे राउंड के पीछे एक हल्का सा फिन होता है जो लेग टाइप होता है जिसको वो यूज़ करता है। एंड लुक एट द आईज, ये देखिए, एंड दीज आर द पैरट्स, ये रही हैं फ्रॉग्स। और गाइस वीडियो ख़त्म करने से पहले ऑल्सो मैंने भी देखा कि भाई ने और उनकी टीम ने पीस को इतने अच्छे से रखा हुआ है, उसको मैंने देखा। एंड द बेस्ट पार्ट वाज व्हेन शी वाज स्लीपिंग आई जस्ट सेड पीस पीस पीस, उसने अपनी ऐसी आंखें खोली डायनासोर जैसे। तो जल्दी से मैं वो भी दिखाता हूँ कि कितने आराम से वो रेस्ट कर रही है वहाँ पर। गाइस ये देखिए वो आराम से और शेडिंग पे है अभी फ़िलहाल जो आप देख सकते हैं। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि इट इज़ नॉट द रेगुलर रेड इगुआना, ये आपका हाइपो रेड है, इसकी वजह से इसका कलर धीरे धीरे जितना बड़ा होगा उतना बढ़िया आता रहेगा। एंड देन शी इज़ डूइंग रियली वेल हियर। और ये ऊपर ग्रीन डायनासोर जो आप देख सकते हैं मस्त तरीके से खाते हुए, ये देखिए, ये अच्छे कैमरे में उस हिसाब से नहीं दिख रहा होगा लेकिन इसका साइज बहुत ही बड़ा है और काफ़ी बढ़िया है, और ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए। तो गाइस ये था वीडियो जो आपने देखा कर्नाटका एक्वेरियम। एज यूजुअल जब भी यहाँ पर आते हैं इट्स एन ट्रिक टू एन आई जो हम काफ़ी कुछ एक्जॉटिक चीज़ें यहाँ पर हम देख के जाते हैं। तो अभी आपने आज जाना भाई की तरफ से ये हाई वाइट लेपर्ड टॉर्टोइस के बारे में और एल्डेब्रा के बारे में। एंड देन भाई फ्यूचर में भी काफ़ी कुछ अभी दिखाने वाले हैं। ऑल्सो पता नहीं भाई से मैं पूछता हूँ कि जो आप एक 17 में एक एग्जीबिशन के पार्ट हो रहे हैं वो हम यहाँ पर बता सकते हैं ताकि हाँ, 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 जरूर बता सकते हैं। तो गाइज आप डिटेल दे दो कि कहाँ पर हो रहा है, कौन सी डेट पर। एक्चुअली ये पेट गाला बोल के एक एग्जीबिशन हो रहा है जिसका भी जैसे डॉग और कैट है वो उधर एग्जीबिशन के लिए लेके आ सकते हैं, उसके लिए मे बी उसका जो है वो मुझे पता नहीं है। हाँ, उसकी डिटेल, बिकॉज आई एम ओनली एग्जॉटिक पेट पार्टनर, जो भी एग्जॉटिक एनिमल रहेंगे। ये वीडियो काफी मस्त चलेगा। तो जो भी एग्जॉटिक एनिमल्स रहेंगे, सो एग्जॉटिक एनिमल उधर मेरे भी रहेंगे, तो आप आके देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या मिलता है, हम लोग कैसे रखते हैं, ये सभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। कौन सी डेट को और कहाँ पे भाई? 17th को, और डेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सॉरी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके जो क्लिप्स हैं जो थंबनेल बनाए गए हैं वो आपको मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। तो मैं उसकी पूरी डिटेल, तो गाइज मैं भी ट्राई कर रहा हूँ भाई बुला रहे हैं, तो मैं भी उस जो पैक गाला है उसका पार्ट बनने जा रहा हूँ। तो 17th of September बैंगलोर में हो रहा है, डिटेल्स बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहाँ पर मिलते हैं और लेट्स हैव अ गुड टाइम। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, आस पास ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।